फोर्थ जनरेशन है ये, इसकी कंडीशन देख ले आप, अंदर से एकदम A1 है, गुड क्वालिटी का है ये। इसके अंदर आपको 4GB 500GB के साथ ही आपको पड़ेगा 15,000 का, 15,000 रुपए का जी, ये समझो बहुत। अस्सलाम वालेकुम YouTube, मैं हूं अली असलम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शिपर। दोस्तों आज मैं नाज प्लाज़ा में आया हुआ हूं। ये कंप्यूटर के होलसेलर हैं, इनके पास गेमिंग पीसी होते हैं, यूज़ पीसी होते हैं, प्लस में ग्राफिक कार्ड्स वगैरह में भी ये डील करते हैं और इनके पास कंप्यूटर की एसेसरीज़ वगैरह भी होती हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त इनके पास क्या क्या रेंज दुकान में अवेलेबल है, विद प्राइस मैं आपको बताऊंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए प्राइसेस का और जो इनके पास प्रोडक्ट है इसका। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवाइएगा मौलाना साहब। मेरा नाम हुदैफा है, मोहम्मद हुदैफा नाम है मेरा, भाई की दुकान है मेरी, हमारे कंप्यूटर एसेसरीज का काम है, कंप्यूटर का काम है, ग्राफिक कार्ड के वगैरह हवाले से, पीसीज के हवाले से और उसके हवाले से, गेमिंग पीसीज के हवाले से। तो आज आप नाज़रीन को क्या दिखा रहे हैं? आज हम दिखाने चाहेंगे इनको मिनिमम रेंज में पीसी और मैक्सिमम रेंज में भी पीसी। हमारे पास ऑल टू ऑल पीसी अवेलेबल होते हैं, बाहर से इंपोर्ट होकर हमारा माल होता है, कंटेनर का माल होता है। गेमिंग पीसी वगैरह भी होते हैं? गेमिंग पीसी भी होते हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए भी, ऑफिस वर्क के लिए, कम से कम रेंज में आई सीरीज में हमारे पास सारा माल मिलता है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह, कम से कम रेंज में आपको ये मिल जाएगा i3 सेकंड जनरेशन डेल का है, 310। इसमें आपको 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ ही आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये में, कम से कम रेंज के अंदर 10,000 रुपये में जी। मार्केट में कम से कम इसके रेट 15,000-16,000 रुपये। थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन दोबारा बताइएगा। कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि इसके अंदर 4GB रैम होती है, i3 सेकंड जनरेशन होता है और 500GB इसकी हार्ड ड्राइव होती है, 500GB हार्ड ड्राइव होती है जी। सही है, ये 10,000 रुपीज का मिलेगा, 10,000 रुपीज का मिलेगा और 10x10 कंडीशन होती है, इसके अंदर से एकदम जेन्युइन होगा, कंटेनर का माल होगा, जबरदस्त। इसके अलावा क्या दिखा रहे? इसके अलावा आपको ये पीसीस मिल जाएंगे, मिनी साइज के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर, इसके अंदर ये i3 फोर्थ जनरेशन है, इसको आपको खोल के भी दिखा देते हैं जी। जी i5 फोर्थ जनरेशन है ये, इसकी कंडीशन देख ले आप, अंदर से एकदम A1 है, गुड क्वालिटी का है ये। इसके अंदर आपको 4GB 500GB के साथ ही आपको पड़ेगा 15,000 का, 15,000 रुपए का जी, ये समझो बहुत बहुत कम रेंज के अंदर है आपके लिए। अच्छा, फोर्थ जनरेशन है, i5 फोर्थ जनरेशन, 4GB 500GB के साथ ये सिर्फ 15,000 रुपए में दे रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपए का जी भाई, जबरदस्त। और जी वालेकुम सलाम जी मौलाना साहब, सही है, हमारे पास आई सीरीज में कस्टम में पीसी फर्स्ट जनरेशन से लेकर सिक्स जनरेशन तक टोटल अवेलेबल होते हैं। सही है, आप बोर्ड वोड देख रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, कस्टमर की रिक्वायर्ड जैसी होती है, जैसे 8GB हो गई, 256 SSD, 1GB ग्राफिक कार्ड लगवाना है, 2GB ग्राफिक कार्ड लगवाना है, 4GB ग्राफिक कार्ड लगवाना है, हर एतबार से हर पीसी, जैसे कस्टम में लाइट वाले पीसी आजकल बन रहे हैं, सारे पीसी इंशाल्लाह हम अवेलेबल कर देंगे, होते हैं हमारे पास। और इसके अलावा नॉन कस्टम में डेल हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, HP में हो गया, लिनोवो में हो गया, टोटल पीसी अवेलेबल होते हैं और इंशाल्लाह मार्केट से बेस्ट प्राइस में अवेलेबल। ज़बरदस्त, ये क्या दिखा रहे हैं? ये एसेसरीज हैं या बोर्ड हैं? ये बोर्ड हैं, ये AMD के बोर्ड पड़े हुए हैं, ये दोनों, ये थर्ड जनरेशन का बोर्ड पड़ा हुआ है। प्राइस के साथ बताइएगा कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड जनरेशन का बोर्ड इनको 7,000 रुपये का पड़ जाएगा, कस्टम होता है ये, आजकल देख रहे हैं जैसे लाइट वाली पीसी चल रहे हैं उनमें लगते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप हार्ड डिस्क पड़ी हुई है हमारे पास, 2TB, 4TB, सही, ये है 3TB, 160GB और ये है 2TB, सॉरी, इसकी क्या प्राइस है बस? ये 500 रुपये की है, ये 2TB है, मार्केट में, पूरी मार्केट में 6,000 की चल रही है, हम 5,000 की देंगे आपके व्यूअर्स को, 5,000 की जी आपके। कितना GB है बस ये? ये 2000 GB है, 2TB है। अच्छा 2TB, अच्छा ये रैम में आ गई,
ये माल आप डेमो की कंडीशन देख लें, 10x10 है, कंटेनर का माल है। ये 4GB रैम है, वैसे मार्केट रेट 1600-1700 चल रहे हैं, हम आपके व्यूवर्स को 1500 रुपये की दे देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके अलावा हमारे पास एसेसरीज होती हैं कंप्यूटर, जैसे स्पीकर हो गया, वीजे केबिल, माउस वगैरह सब, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाए पीसी का थोड़ा बताएं, पीसी विद प्राइस के हवाले से, जैसे देखें सेकंड जनरेशन में हम टावर का पीसी भाई ने बताया 4GB 500GB के साथ 10,000 रुपये में पड़ जाएगा। ऐसे ही थर्ड जनरेशन में जाते हैं, अगर i3 के साथ अगर थर्ड जनरेशन 4GB 500GB के साथ बनाएंगे तो 12,000 रुपये का बनेगा। ऐसे फोर्थ जनरेशन में जाएंगे तो 2-3,000 रुपये का फर्क आता है, लेकिन मार्केट से बेस्ट प्राइस में आपको इंशाल्लाह थोड़ा ऐसे बताते जाएंगे। ये है देखें i5 फोर्थ जनरेशन, सही है, ये टावर का पीसी है। इसमें आप अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे, बगैर रैम बगैर हार्ड डिस्क के ये i5 4 के साथ में 4 रैम स्लॉट वाला डब्बा है, 14,000 रुपये में आपको दे दूंगा। बाकी आप जैसी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे रैम हार्ड डिस्क के पैसे लग जाएंगे और उस हिसाब से आपको ये डब्बा मिल जाएगा। सही। ये है थर्ड जनरेशन HP में i5 थर्ड जनरेशन है, ये डब्बा आपको सिर्फ बगैर रैम बगैर हार्ड डिस्क के 12,000 रुपये का पड़ेगा, बगैर रैम बगैर हार्ड डिस्क i5 के साथ। और अगर रैम वगैरह लगाएंगे तो 4GB रैम अगर लगाएंगे 1500 रुपये की एड होगी, 320GB हार्ड डिस्क 900 रुपये की एड होएगी, 500GB हार्ड डिस्क 1600 रुपये की एड होएगी, 1000GB 4,500 रुपये की। मैंने जैसे आपको बताया 2000GB आपके व्यूअर्स के लिए हम दे देंगे 5,000 रुपये। ज़बरदस्त। और ये क्या दिखा रहे हैं? बाकी ये वही थर्ड जनरेशन के टोटल पीसी लगे हुए हैं, ये सेकंड जनरेशन लगे हुए हैं। सही। और ये देखें ये SSD हैं, ये SSD आजकल न्यू हार्ड डिस्क जो चल रही है ना SSD, हाँ। हर कंपनी की मिल जाएगी, ये देखें WD मिल जाएगी, सही, दावा कंपनी मिल जाएगी, WD बिल्कुल ब्रांडेड न्यू जी। क्या प्राइस होती है बॉस इसकी? ये 3500 रुपये की, 128GB 1 साल वारंटी में। अच्छा, 1 साल वारंटी है जी, जबरदस्त। अब ये जैसे यही है आईगो में 128GB, अच्छा, ये 3,000 रुपये की SSD, 3,000 रुपये की, जबरदस्त। अब वैल्यू टेप हो गई, ये 3100-3200 रुपये की है, सही, जबरदस्त। बॉस क्या आप ऑनलाइन भी करते हैं अगर दूसरे शहर से किसी को पीसी पसंद है? ऑर्डर आ गया तो पेमेंट अगर एडवांस लग जाएगी तो उसके बाद हम उनका माल उनके वहाँ तक डिलीवर करवा देंगे। सही। अपना एड्रेस समझाएंगे दुकान का, आपकी दुकान किस जगह पर है? जी ये शॉप नास्क लादा में है, 108 नंबर, इलाइट कंप्यूटर। इलाइट कंप्यूटर, विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए। जीना रोड, इलाइट कंप्यूटर, नास्क लादा में। ये देखें इलाइट, सही, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, दूसरा वाला नंबर है। अच्छा अच्छा, सही अहमद भाई, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।